फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं अजय आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल इकिग्राफी में वेलकम करता हूं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रेक्टेंगल टूल के बारे में सीखा था कि रेक्टेंगल टूल कैसे यूज़ करते हैं, और कुछ उसकी हमने प्रॉपर्टी भी हमने डिटेल्स में हमने जानी थी। तो आई होप आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करी है और उसकी समझ आप लोग को आ गई है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम सीखने वाले हैं इलिप्स टूल के बारे में। ये हमारा अगला ड्राइंग टूल है। आज हम इस इलिप्स टूल को हम यूज़ सीखेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, और मैं साथ ही आपको कुछ लोगो बना के दिखाऊंगा और आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा तो कैसे इलिप्स टूल को हम यूज़ करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रेक्टेंगल टूल सीखा था। तो टूल बार में अगर आप नीचे की तरफ आएँ तो ये रेक्टेंगल टूल था हमारा, एंड बिल्कुल उसके नीचे हमारा इलिप्स टूल है। और जैसे ही इलिप्स टूल पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा इलिप्स टूल मेरा शो हो गया है, एंड इसकी शॉर्टकट कीज़ F7 है। आप शॉर्टकट कीज़ भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट इलिप्स टूल भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इलिप्स टूल सेलेक्ट करता हूँ, एंड अब मैं अगर इसको इस तरीके से बनाना शुरू कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि हम इलिप्स को ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो सेम वही प्रॉपर्टी इसमें भी है जो हमने रेक्टेंगल टूल के अंदर यूज़ करी थी, बस कुछ यहाँ पे इफ़ेक्ट का फ़र्क है, और यहाँ पे इसे कुछ प्रॉपर्टी और इसे कुछ इफ़ेक्ट का फ़र्क है। बाकी सेम हम कंट्रोल बार और शिफ्ट बार का यूज़ करके सेम वही इसके अंदर प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हम इलिप्स टूल यूज़ करके अपने इलिप्स को ड्रॉ कर पा रहे हैं। मैं डिलीट करता हूँ एंड मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, और मैं अगर कंट्रोल के साथ अगर इलिप्स टूल ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको प्रोपोर्शन में इसको अपने इलिप्स को ड्रॉ कर पा रहा हूँ। और प्रॉपर्टी बार में अब इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज होते आप देख पा रहे हैं कि मैं अपने इलिप्स को कंट्रोल बटन के साथ जितना छोटा या बड़ा कर रहा हूँ तो ये सेम प्रोपोर्शन में एंड इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। अगर मैं इसको शिफ्ट बटन के साथ अगर प्रेस करता हूँ तो ये मेरा सेंटर से मेरा ऑब्जेक्ट मेरा बनना शुरू होता है, एंड अगर इसको मैं कंट्रोल और शिफ्ट बार दोनों एक साथ प्रेस करता हूँ तो मेरा ये कंस्ट्रेंट पोजीशन में एंड सेंटर से मेरा ऑब्जेक्ट ये क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर लेता हूँ, अगर आप कंट्रोल के बटन के साथ अगर ड्रॉ करते हैं तो ये आपका प्रोपोर्शन में क्रिएट होगा आपका इलिप्स, एंड अगर आप इसको शिफ्ट बटन के साथ करते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट सेंटर से इस तरीके से क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, और अगर आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन प्रेस करते हैं तो ये प्रोपोर्शन के साथ सेंटर से आपकी वैल्यू को क्रिएट करना शुरू करेगा लाइक दिस। तो अब चलते हैं इसकी प्रॉपर्टी बार की तरफ। तो मैंने ये एक छोटा सा लिस्ट ड्रॉ कर रखा है, एंड यहाँ ये प्रॉपर्टी सब कुछ सेम है जो मैंने आप लोग को भी रेक्टेंगल टूल में पढ़ाई थी, जो हमारी इससे पहले की क्लास थी। एंड यहाँ आप देख सकते हैं ये हमने सिंपली इलिप्स में ड्रॉ कर रखा है, तो ये में हमारा इलिप्स ड्रॉ है। यहाँ आप देख सकते हैं ये अगला हमारा है पाई। पाई अगर आप पाई पे क्लिक करते हैं तो आप इस तरीके से पाई चार्ट बना सकते हैं। आप इसमें इसकी वैल्यू को आप पुट करके आप पाई चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ अगर चाह रहा हूँ कि मेरा, आप जानते हैं कि हमारा कोई भी एक सर्कल होता है तो वो 360 डिग्री उसकी वैल्यू होती है, एंड वो 40 ये अभी जो मेरा पाई चार्ट जो मेरा बना हुआ है उसकी वैल्यू ज़ीरो से स्टार्ट है, मींस कि यहाँ से इसकी वैल्यू ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है और ये 270 पे इसकी वैल्यू जाके पाई बनी है, तो ये इसकी वैल्यू 270 पे क्रिएट हो गई है। आप चाह रहे हैं कि इसकी वैल्यू 180 पे इसको पाई बनाना चाह रहे हैं तो 180 डालिए और सिंपली एंटर प्रेस करिए, तो ये आपके पाई को 180 डिग्री में आपके पाई बना के आपको देगा। एंड मैं आपको एक बार डिटेल में समझाना चाहूँगा कि मैंने एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाया, एंड अब मैं इसको पाई बना रहा हूँ। यहाँ से मैं इसको करता हूँ 45 डिग्री पे, एंड अभी आप देख सकते हैं कि मेरा ये पाई मेरा 45 डिग्री पे है। मैं इसमें कोई कलर फिल कर देता हूँ, मैं इस पर ये कलर करता हूँ सेलेक्ट, एंड इसकी मैं कॉपी बना लूँगा। तो कॉपी बनाने के लिए आप सिंपली अपने नम कीबोर्ड से प्लस बटन क्लिक करें, एंड अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को ये डालें ऊपर 45 डालें, क्योंकि ये हमारा ज़ीरो से शुरू हुआ और 45 डिग्री पे मेरा ये ख़त्म हो रहा है, तो हम इसकी लास्ट वैल्यू यहाँ डालेंगे। तो मैं 45 क्लिक करता हूँ, और मुझे कितना यहाँ पे ऐड करना है तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं अगर यहाँ इसकी वैल्यू को 90 डाल के और प्लस करता हूँ तो ये इस तरीके से मेरी वैल्यू यहाँ पर
135 पे मेरी इसकी वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी। आप देख सकते हैं कि मैं इसको डुप्लीकेट मैं कर चुका हूँ एंड इसकी वैल्यू अभी 0 से 45 पे स्टार्ट हो रही है और 0 डिग्री शुरू होकर यहाँ इसका एंडिंग पॉइंट 45 डिग्री पे है। तो अब इसका हम जो लास्ट हमारा अब जो वैल्यू हमारी लास्ट वैल्यू जो ख़त्म हुई थी वो हम यहाँ ऊपर लिखेंगे एंड इसमें हमें कितना हमें इसको पाई बनाना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा 90 डिग्री मेरा अभी इसमें और इसके अंदर ऐड हो जाए तो मैं प्लस करके जैसे ही एंटर क्लिक करता हूँ तो मेरा ये इतना इधर से 90 डिग्री मेरा हो गया है एंड इसकी अब इसकी टोटल वैल्यू इसकी 0 से स्टार्ट होकर 135 पे है। ये 90 45 ये एंड 90 डिग्री ये, तो 135 मेरा यहाँ पे पाई मेरा क्रिएट हो गया है। अब मैं फिर इस पर एक बार प्लस क्लिक करता हूँ या फिर इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं इस तरीके से। मैं सिंपली इस पर एक बार क्लिक करूँगा इस तरीके से तो मेरा ऑब्जेक्ट मेरा डुप्लीकेट हो जाएगा एंड आप देख सकते हैं मैं सिंपली इसको कीबोर्ड से नम कीबोर्ड क्लिक करता हूँ तो मेरा ये डुप्लीकेट हो गया है। एंड अगेन मैं इसको अब इसकी लास्ट वैल्यू जो 135 इसकी अप्लाई हुई थी तो 135 में यहाँ ऊपर लिखूँगा एंड मुझे इसको कितना रोटेट कराना है तो मैं इसको 180 डिग्री कर देता हूँ, इसके अंदर प्लस कर दूँगा। तो यहाँ से मैं 180 प्लस करके जैसे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये मेरा अब 350 डिग्री मेरा यहाँ पे मेरा ये मेरा पाई मेरा क्रिएट हो गया है। तो आप इस तरीके से भी एक पाई क्रिएट कर सकते हैं एंड आप इसको सेलेक्ट करके अपनी पाई की वैल्यू को रोटेट कर सकते हैं, घुमा फिरा सकते हैं। एंड मैं इसको अंडो कर रहा हूँ कंट्रोल जेड। आप देख सकते हैं कि मैंने पाई जो क्रिएट करा है वो 0 से स्टार्ट है और 45 डिग्री पे मेरा एंडिंग हो रहा है, मींस कि मेरा वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही है 0 से एंड ये 45 डिग्री रोटेट होके मेरी एक पाई क्रिएट कर रही है। एंड मैं इसको दोबारा एक प्लस बटन पे क्लिक करके अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा पाई जो क्रिएट हो वो मेरा 180 डिग्री पे मेरा क्रिएट हो। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरी लास्ट वैल्यू थी जो हमने 45 डिग्री जो हमने लास्ट वैल्यू अप्लाई करी थी इसके अंदर तो उस वैल्यू को हम ऊपर रखेंगे एंड इसमें हम आके यहाँ पे 180 डिग्री इसके अंदर हम ऐड करेंगे और प्लस करके एंटर करेंगे। तो इस तरीके से हम इसके अंदर पाई क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको अंडो कर रहा हूँ और ये क्या चीज़ है इसके अंदर ये चेंज डायरेक्शन में आप यहाँ से आप अपने पाई के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ये मेरा 0 से 45 डिग्री एंड 45 डिग्री यहाँ पे मेरा ये ऊपर 45 डिग्री स्टार्टिंग से इधर से इतना और ये पूरा 360 डिग्री इसको लेके चल रहा है। तो यहाँ पे मेरा क्या है, ये वही मेरे आउटलाइन का वेट आप जितना मर्जी यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो इसके अंदर भी शेप टूल का भी यूज़ है, मैं आप लोग के लिए शेप टूल की क्लास लेके आऊँगा और बहुत ही डिटेल में आप लोग को बताऊँगा। तो मैं क्या करता हूँ कंट्रोल बटन के साथ इसको छोटा सा एक ड्रॉ कर लेता हूँ एंड आप मैं शेप टूल से अगर सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा आउटलाइन बिल्कुल ख़त्म हो गया है और सिर्फ डैश की वैल्यू और बीच में आपको छोटा सा एक नोड दिख रहा होगा। अगर मैं इस नोड को सेलेक्ट करके और इस तरीके से अगर ड्रैग करना शुरू करूँ तो आप इस तरीके से पाई आप क्रिएट कर सकते हैं। जितना आपको पाई की वैल्यू बढ़ानी है आप उसको सिंपली सेलेक्ट करके ड्रैग करिए, आप उस तरीके से पाई चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। एंड जब मैं इसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी भी उसी हिसाब से चेंज हो रही है। ओके, तो अभी तो मैं इसकी वैल्यू को अभी अंदर की तरफ मैं ड्रैग करा था, अब अगर मैं इसकी वैल्यू को अगर बाहर की तरफ ड्रैग करना शुरू करूँ तो अब क्या हो रहा है आप देखिए, अभी मेरा आर्क में मेरा कन्वर्ट हो गया है। मैं अंडो कर रहा हूँ तो अभी आप देखिए हो क्या रहा है इसके अंदर। मैं जैसे ही इसको अगर अंदर की तरफ मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो मेरा ऊपर प्रॉपर्टी बारे में मेरा दोबारा से मेरा पाई सेलेक्ट हो गया है एंड जैसे ही इसको मैं नोड को पकड़ के बाहर की तरफ ड्रैग करना शुरू करता हूँ तो मेरा प्रॉपर्टी बारे में मेरा आर्क की तरफ मेरा इफेक्ट मेरा चेंज हो गया है। तो अगर आप बाहर की तरफ ड्रैग करते हैं तो आप इस तरीके से आर्क बना सकते हैं इस तरीके से। तो मैं अब आपको समझाने के लिए कुछ लोगो बना के दिखाता हूँ, इलिप्स टूल के ऊपर ही लोगो है। तो मैं सिंपली एक छोटा सा रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से एंड मैं शिफ्ट बटन के साथ इसको अंदर की तरफ ड्रैग करूँगा लगभग इतना
एंड इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए मैं माउस से राइट क्लिक भी कर सकता हूँ अपना लेफ्ट बटन बिना रिलीज़ किए, या फिर सिंपली कीबोर्ड से अपने स्पेस बार बटन प्रेस करते ही, तो स्पेस बार बटन प्रेस करके भी आप अपनी वैल्यू को डुप्लीकेट इस तरीके से कर सकते हैं। ओके तो अब एंड यहाँ सेंटर से मैं एक पॉइंट यहाँ दूंगा इस जगह पे, इस तरीके से एक एंड एक पॉइंट में यहाँ पे दूंगा इस तरीके से। ओके और दोबारा मैं इस रेक्टेंगल सॉरी दोबारा इसमें इलेक्ट्रिक टूल पे क्लिक करता हूँ एंड मैं एक बार इसकी और डुप्लीकेट कॉपी बनाऊंगा लगभग इतना एंड स्पेस बार बटन प्रेस करूंगा। अब हम इलेक्ट्रिक टूल की मदद से बनाने वाले हैं क्रोम का लोगो। अब इसके अंदर हम कलर फिल करते हैं, तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक करके मैं स्मार्ट फिल टूल यूज़ करता हूँ एंड यहाँ से मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट एंड मैं कलर देता हूँ यहाँ से रेड कलर। इसको मैंने क्लिक किया, ये मेरा रेड कलर, एंड फिर इसको मैंने क्लिक किया येलो कलर, एंड इस पर क्लिक किया ये मेरा ग्रीन कलर, एंड इस पर क्लिक किया मैंने और ये मेरा ये कलर। तो आप देख सकते हैं कि हमने इलिप्स टूल की मदद से कितनी आसानी से हमने अपना क्रोम का हमने लोगो बनाया है। मैं इन सबको करता हूँ सेलेक्ट एंड यहाँ से इसकी आउटलाइन करता हूँ नन। तो आप देख सकते हैं कि हमने इलिप्स टूल की मदद से बड़ी आसानी से हमने एक क्रोम का छोटा सा लोगो बनाया है। आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो मैं एक छोटा सा एक लोगो और आपको बनाकर दिखाना चाहूँगा। मैं एक दोबारा से मैंने इलिप्स टूल लिया एंड मैं कंट्रोल बटन के साथ फिर एक छोटा सा एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से, एंड फिर अगेन शिफ्ट के साथ मैं इसको इतना मैं यहाँ पे करता हूँ छोटा करके, और इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा एंड इसके अंदर हम कलर फिल कर लेते हैं। मैं ये कलर देता हूँ और इस वाले पे मैं वाइट कलर दूंगा और इन दोनों की मैं आउटलाइन को करता हूँ नन, और हम बनाएंगे SBI का लोगो। तो यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और इसको मैं करता हूँ इतना सेलेक्ट इस तरीके से, तो इसको करते हैं सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट सेंटर एंड इसमें करता हूँ वाइट कलर फिल, और इसकी आउटलाइन को करा मैंने यहाँ से नन राइट क्लिक करके, एंड थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करेंगे इसको हम सेलेक्ट किया और इसको लगभग इतना छोटा किया एंड इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया एंड पाथ फाइंडर में जाके यहाँ से इसको किया हमने ट्रिम, सॉरी इसको हमने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और पाथ फाइंडर में जाके तो इसको हमने किया सेलेक्ट, एंड सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे हमने वेल्ड करने के बाद इसको हमने आप देख सकते हैं कि हमने एक छोटा सा इलिप्स टूल और रेक्टेंगल टूल की हेल्प से हमने SBI का लोगो भी हमने क्रिएट कर लिया है। आई होप आप लोग को ये छोटी सी क्लास पसंद आई होगी और आपको जो लोगो बना के मैंने सिखा समझाया है वो भी आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें और इलिप्स टूल को समझें, और अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करें वीडियो में, मैं आप लोग को ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और इलिप्स टूल आपको अच्छे से समझ में आया होगा उसकी और उसकी प्रॉपर्टी भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर क्लास आप लोग को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।